अब मैं गुरु जी से दोबारा मिलने के लिए आया हूँ और मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप एक बार गुरु जी से आकर जरूर मिलें, अपनी समस्या का समाधान कराएं, आपको कहीं दो आराम से गुरु जी के पास आओ, डायरेक्ट बात करो और डायरेक्ट काम करवाओ। ऑनलाइन में कोई वो नहीं है, और ऑनलाइन भी करा सकते हो, ऑफलाइन भी करा सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित सुरेश भाई शास्त्री गुरुजी एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ब्लैक मैजिक वशीकरण गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जहाँ चाह है वहाँ राह है। जब इंसान बार बार भटक जाता है अपने रास्ते से और उसको सही दिशा नहीं मिलती है, तो भगवान सही दिशा दिखाते हैं और उसको जहाँ काम होना चाहिए सही जगह पे वहाँ उसको लेके आते हैं। एक भाई आज हमारे पास में अमृतसर से आए हैं और इनका काम भी फ़ोटो के द्वारा सफल हुआ और फ़ोटो का भी वशीकरण, इन्होंने फ़ोटो भेजा नहीं क्योंकि सब जगह धोखा खाकर फ़ोटो भेजकर भी इन्होंने काफ़ी धोखा। आपका एक्सपीरियंस बताओ, ऐसा बोलो आप। मैं अमृतसर से बहुत दूर से गुरु जी से इच्छा रख कर यहाँ पर आया और पहली बार में ही मेरा काम जो है सफल हो गया है। अब मैं गुरु जी से दोबारा मिलने के लिए आया हूँ और मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप एक बार गुरु जी से आकर जरूर मिलें, अपनी समस्या का समाधान कराएं, आपको कहीं इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, इन्होंने भी फ़ोटो कई जगह भेजा, कई जगह काम करवाया, लेकिन इनको विश्वास नहीं, फ़ोटो से भी इन्होंने फ़ोटो भेजा नहीं, फ़ोटो भी लेके आए और अपना कार्य सफल करवाया और अब ये वापस दूसरी बार परमानेंट काम करवाने के लिए आए हैं इतनी दूर से अमृतसर से। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आज इनका काम यहाँ पर सफल और सिद्ध होगा। तो अब और इसके अलावा मुस्लिम भी आती है, कई लड़कियाँ डरती है कहीं जाने से, क्योंकि आजकल का ज़माना ऐसा हो गया है, छोटी बच्चियाँ डरती है। एक बच्ची आई है, वो भी अपने कहाँ से आया? मैं देहरादून से आई। ये देहरादून से आए हैं, बताइए आपके, बोलिए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी, मैं भी डर रही थी आने से पहले कि पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, लेकिन यहाँ आके पता पड़ा कि जो भी है सब कुछ सही है। मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे और रिटर्न में मेरे को गुरुजी ने पैसे दिए, और मैं तो यही कहूँगी कि जो भी काम कराना है यहीं से कराइए। मेरे तो काफ़ी जगह पैसे वेस्ट हो गए, लेकिन किसी ने कोई काम करके नहीं दिया। फ़ोटो मंगा लेते हैं, कोई काम करके नहीं दिखा। मैं अपनी बहन का काम कराने आई हूँ, मेरा काम सक्सेस हुआ था, अब मैं अपना बहन का काम लेके आई हूँ और यहाँ से पूरी सफलता मिलती है। मैं तो यही कहूँगी इधर उधर भटकने से कोई फ़ायदा नहीं है, आराम से गुरुजी के पास आओ, डायरेक्ट बात करो और डायरेक्ट काम करवाओ। ऑनलाइन में कोई वो नहीं है, और ऑनलाइन भी करा सकते हो, ऑफलाइन भी करा सकते हो, दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। लेकिन मेरा तो काम हुआ है, मुझे भरोसा है यहाँ का। मैं एक मोमडन हो के फिर भी मैंने इन पर इतना भरोसा किया और मेरा काम सफल हुआ है। दोस्तों, सभी धर्म का यहाँ पर आदर है, सम्मान है, कोई भी आ सकता है, हिंदू मुस्लिम सर्व धर्म सद्भावना रखते हैं। ये बच्ची मुस्लिम है फिर भी इसको हवन पूजा के अनुष्ठान के द्वारा काम होना चाहिए। चाहे दरगाह जाओ, चाहे मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, कहीं भी जाओ, इंसान का भला होना चाहिए। ये बच्ची अपने सच्चे मन से आई है और जो सच्चे मन से आता है या सच्चे मन से ऑनलाइन भी करवाता है तो भी उनका काम सफल यहाँ पर होता है। आपके सामने दो दो जने बंदे बैठे हैं, पूजा करवाई हैं, सफल हुआ है काम, और भी काम लेके आए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पर से विधि विधान से पूजा होती हैं। आज हम अभी इनका परमानेंट वशीकरण साधना करेंगे और आज इनका नया काम करेंगे बहन का। तो इस प्रकार से ये पूजा अनुष्ठान व्यवस्थित करवाते हैं। सच्चा मन और विश्वास होना चाहिए गुरु के प्रति, सच्चा आदर विश्वास। पैसों से कोई काम नहीं होता है, अच्छी भावना होनी चाहिए। पैसे जो लगते हैं सामान के, जो लगते हैं वो लगते हैं, लेकिन पैसे देने के बावजूद भी काम नहीं करते हैं, काम होता नहीं है, क्योंकि लोग काम करते नहीं हैं, आता नहीं प्रॉपर काम करना, बड़ी बड़ी बातें आती हैं। ये भाई साहब सब बैठे सामने, कितना विश्वास और श्रद्धा लेके आए थे। जब पहली बार आए थे तब कितना परेशान थे, अब कितना खुश हैं, हैप्पी हैप्पी एकदम खुश होके जा रहे हैं कि यहाँ पर उनको सफलता मिली है। तो दोस्तों, अब इनका हम आगे कैसे किस प्रकार से लाइफ टाइम का वशीकरण करेंगे, तो ये भाई साहब अब लेके आए हैं अपना कुछ कपड़ा। तो ये आप नींबू ले लीजिए, जिसको भी आपने किया है वश में करने के लिए, मैंने आपका रखा है यहाँ पर जो कपड़ा, एक मिनट, इसको अपने आँखों पे लगाइए। और जिसको भी वश में लाइफ टाइम का करना है, आज उसका शुक्रवार है और ये नींबू को दफना के आज हम उसका परमानेंट करने वाले हैं, तो उसका मन में नाम ले लीजिए, क्योंकि हम
बताने नहीं चाहते दोस्तों, हम चेहरा किसी का बताते नहीं, क्योंकि ये गुप्त साधनाएं होती हैं। हर इंसान चाहता है कि मेरा काम गुप्त हो जाए, ये वशीकरण साधना हो या कोई भी साधना हो, तंत्र साधनाएं गुप्त रहती हैं। किसी को शो करना, किसी को दुनिया को बताना अच्छा नहीं लगता है, तो दोस्तों और नाम भी बताना अच्छा नहीं लगता है। आप अपना मन में नाम लीजिए उसका, जिसके स्त्री को आप चाहते हैं, और बोलिए ओम शिवे शिवे भगे भगे भग शोभय मोहय छादय क्लेदय क्लीम क्लीम शरीरे शरीरे ओम ओम फट फट स्वाहा। अमुक स्त्री जिसको भी आप मन में याद कर लीजिए, उसका छवि याद कर लीजिए, अमुक स्त्री बोलिए, अमुक स्त्री 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 मन में नाम ले लिया उसका, मम वस्मे वस्माय कुरु कुरु स्वाहा। दूसरी आंख पे लगाइए, ये आंखों का सब कनेक्शन आंखों का ही है, बस उसके दिल में दिमाग में उस स्त्री के आपकी आप दिखे, ऐसी ये साधना है, तो ये परमानेंट होगी। इसको आप दूसरे आंख पे लगा के बोलिए ओम नमो कामदेवाय अमुक स्त्री, जिसका भी नाम ले लीजिए उसका, मम मुख पश्यति तत मोहेतु स्वाहा। अब भ्रकुटि के बाद में नींबू लगाइए, बोल ओम नमो आदेश गुरु को सिद्ध माता स्तंभनी मोहिनी अमुक स्त्री मम वस्मे वस्माय कुरु कुरु स्वाहा। अब इसको हाथ में लीजिए और पहले इस पर 7 बार घुमा लीजिए अपने पर, जय माँ भद्रकाली की, जय महादेश्वरी माँ चामुंडेश्वरी। हाथ में लीजिए, ऐसे कीजिए, तो जिस स्त्री का वशीकरण परमानेंट करने वाले उसका नाम लीजिए और बोलिए हे माँ कामाख्या देवी, हे माँ कामाख्या देवी, मेरा फोटो से वशीकरण सफल होने के बाद आज मैं बाल और कपड़े से अमुक स्त्री का उसका मन में नाम लीजिए, जीवन भर के लिए हम दोनों को कोई भी अलग न कर पाए हम दोनों को हमारी इस विद्या को कोई काट ना पाए ऐसी महाशक्तिशाली वशीकरण साधना सफल सिद्ध हो। जय माँ भद्रकाली, जय माँ चामुंडा। नाम बोलिए, जय माँ भद्रकाली, जय माँ चामुंडा, जय माँ कामाख्या देवी, जय माँ कामाख्या देवी। अब इसको मैं, आज शुक्रवार है, 12 बजे से पहले 11 से 12 बजे के पहले इसको डाल देंगे, ठीक है जी। दोस्तों इस प्रकार से प्रॉपर लाइफ टाइम वशीकरण साधना का खोज होती है, आपके सामने देख लिया होगा कि भाई कितना लोगों को फ़ायदा हो रहा है। आप भी निश्चिंत होकर पूजा कराएं, नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें, आपको घर बैठे ऑनलाइन ऑफलाइन आपको सुविधा मिलेगी और आपका माँ माता रानी 100% अगर आप सच्चे और मन और श्रद्धा से पूजा कराएंगे तो आपका काम 100% सफल और सिद्ध होगा। धन्यवाद, नमस्कार।